pasta lover, then this video is for you. Hello everyone, this is Chef Abhilash. Welcome back to my channel once again. Today, I will teach you a pasta recipe which is very simple and easy, and I will teach you in a very traditional Italian way. So let's start. So guys, recipe start करने से सबसे पहला step है पानी boiling के लिए चढ़ाना. मैंने already चढ़ा दिया है. और make sure you add salt. पानी थोड़ा salty होना चाहिए. तब तक we will chop some garlic. इस पास्ता की रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीज़ें होती हैं, ऑलिव ऑयल, गार्लिक और चिली फ्लेक्स. और पास्ता का नाम है अग्लियो ओलियो. तो अग्लियो का मतलब होता है गार्लिक और ओलियो का मतलब होता है ऑलिव ऑयल. फाइन चॉप करना है इसको. जब तक हमारा पानी बॉइल होगा तब तक हम यहाँ पे गार्लिक वगैरह हमारा चॉप हो जाएगा. अगर आपके पास में चॉपर है तो आप चॉपर भी यूज कर सकते हैं. ये रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है. बस पानी हमारा ऑलमोस्ट बॉइल हो चुका है. अब इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे. हमेशा पास्ता बॉइलिंग वाटर में ऐड करना है. पहले पालक पास्ता डाल के बॉइलिंग पे नहीं चढ़ाना है. कभी भी पास्ता कुक करते टाइम हमेशा उसके पैकेट पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई पास्ता डिफरेंट टाइम पे कुक होता है. तो हर पैकेट पे मेंशन होता है कि कितने टाइम में कुक होगा. जैसे इस पे मेंशन है कुक इन 4 मिनट्स ओनली. तो कभी भी आप पास्ता कुक कर रहे हैं तो उसके पैकेट पे जरूर रीड करें कि उस पे टाइमिंग क्या लिखी हुई है, क्योंकि यूजली लोग रीड नहीं करते और पास्ता फिर वो बॉयल करते हैं तो ओवर कुक हो जाता है. सो जब तक हमारा पास्ता बॉयल होगा तब तक हम यहाँ पे गार्लिक को कुक कर लेंगे. ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल लेना है और बिल्कुल लो हीट पे इसको रखना है, नहीं तो गार्लिक जल जाएगा. हमको गार्लिक को इसमें बहुत ही लो हीट पे कुक करना है. तो बीच बीच में पास्ता को ऐसे चेक भी करना है ताकि वो नीचे लग ना जाए. देखें बहुत धीरे धीरे सिजल कर रहा है. ऐसे ही इस गार्लिक को कुक करना है. अगर आप इसको तेज फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएगा, सारा गार्लिक का फ्लेवर चला जाएगा. गार्लिक जैसे ही पकेगा स्मेल आनी चालू हो जाएगी. इसमें डालते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स. बहुत ही सिंपल है. देखने में शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा बट खाने में बहुत डिलीशियस है, ट्रस्ट में. एक बार जरूर ट्राई करके देखो. लिटिल बिट सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी पानी में सॉल्ट डाल दिया था तो पास्ता ने भी सॉक किया है. थोड़ा सा और ऑलिव. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप चाहे तो बटर में भी कुक कर सकते हैं, बट फिर वो बन जाएगा अग्लियो बटरियो. बट आइडल यही है कि आप इसको ऑलिव ऑयल में ही कुक करें क्योंकि वही ट्रेडिशनल वे है. दैट्स इट. थोड़ी सी गार्निश, यह है चॉप पार्सली, इटालियन पार्सली. इट्स टाइम टू प्लेट.
किसने कैसा पास्ता बनाया है, ना कोई सॉस ना कुछ, बट ट्रस्ट मी ये पास्ता ऐसे ही बनता है और ये बहुत डिलीशियस है खाने में। आप एक बार ट्राई करो, बनाओ। बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जैसे जैसे मैंने बताया, जो जो स्टेप मैंने बताए सारे वही फॉलो करने हैं, ठीक है? एक बार बनाओ, खाओ एंड देन लेट मी नो कि भाई ये कैसा है। ये रेसिपी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि एक तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी है और बहुत क्विक भी है, हार्डली 10 मिनट से भी कम टाइम इसको लगाया बनाने में, और साथ ही साथ ये टेस्टी भी बहुत है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई उनके पास में अगर टाइम नहीं है ज़्यादा तो दे कैन जस्ट मेक इट रियली क्विक। सो नेक्स्ट वीक आई विल ब्रिंग वन मोर रेसिपी और उसको मैं बहुत ही सिंपल और ईजी वे में उसको मैं समझाऊँगा, और साथ ही साथ मैं बताऊँगा आपको कि टमाटो सॉस जो कि पास्ता के लिए हम कैसे स्क्रैच से घर पर बना सकते हैं, जो कि हम ऑलवेज स्ट्रगल करते हैं कि भाई टमाटो सॉस कैसे बनती है, टमाटो सॉस कैसे बनती है, मेरे को बहुत लोगों ने इस चीज़ में पूछा था, तो वही उसी की रेसिपी मैं आप इस बार आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता एज वेल। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशन यू कैन ऑल्सो पुट दोज इन द कमेंट बॉक्स। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो विद अनदर रेसिपी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अंटिल देन, goodbye. See you next time.